हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, अभी थोड़ी देर में विधायक साहब यहां पर सैकड़ों युवाओं के साथ निकलेंगे, तो सोचिएगा एमसीएफ प्रशासन के हाथ पांव फूले पड़े हैं। रात भर से ये जो सड़क आप देख रहे हैं काई, और देखिए काई तक लगी पड़ी है, काला पानी यहाँ पर जमा पड़ा अच्छा खासा, मतलब 365 दिन साल भर यहाँ पानी जमा रहता है, लेकिन आज देखिएगा इसको साफ कर दिया गया। रात भर से लगे हमें देखा, देखी अभी जेसीबी यहाँ लगी थी वो भाग गई आगे शायद जेसीबी आगे निकल गई, देखो वहां जाके लगी है जेसीबी, वहां जाके लग गई है, लेकिन यहाँ से तो भाग गई हमें देखा देखी। अभी सोचिएगा हालात ऐसे हैं इस सड़क के कि फिलहाल के तौर पे एमसीएफ विभाग या कहते हैं प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में समाधान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन आंखों में जिस तरीके धूल झोंकते हैं ये विभाग के लोग, दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर ये देखिएगा, रात भर से इस पानी को निकालने के लिए, समाधान करने के लिए चारों ओर से कहीं ना कहीं से पैच कर दिए गए हैं, खाली कर दिया गया है, ताकि इस सड़क पर जमा हुआ पानी निकाला जा सके। हालात इस तरीके से, ये बेशर्म उन अधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ जो जिस तरीके से नकारा है, मतलब काम नहीं करना चाहते, तो पानी और भी निकाला जा सकता था। ये सड़क पर लबालब 365 दिन पानी भरा रहता था, हालात इस तरीके से हो जाते थे कि यहाँ से निकलना दूभर था, लेकिन आज देखिएगा विधायक साहब की यहाँ से रैली निकलने वाली है, तो देखिए किस तरीके से, ये देखिए मलबा वलबा हटा के सड़क पर से पानी को निकाला, अभी भी देखिए पानी निकल रहा है यहाँ से, सोचिएगा पानी का भराव यहाँ से देखिए किस तरीके से नालियों में निकाल के साइड में निकाला जा रहा है, हालात किस तरीके से है। पूछते हैं कभी यहाँ के दुकानदारों से कि जीना दूभर था यहाँ लोगों का, हालात इस तरीके से बुरा हाल था। भैया एक बार रोकोगे, इन्हीं से रोकते हैं, चलिए और लोगों से पूछेंगे किस तरीके से। देखिएगा कि जो दुकानदार है, क्योंकि जैसे हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल बद से बदतर हालत थे, हालत देखिएगा काई लगी पड़ी है, काला काला पानी, और ये देखिए पूरा पूरा आगे तक अच्छा खासा, मतलब ये मान चलिए अच्छा खासा, कैसे कहते हैं कि 400 मीटर हिस्सा, ये पानी का हिस्सा पानी जल भराव से रहता था। पूछते हैं दुकानदारों से, आइए एक बार ध्यान से भाई, काला काला हिस्सा, भैया कैसे है, पानी वानी भरा रहता है? हरदम पानी यहाँ पे भरा रहता है, यहाँ पेट्रोल पंप के पास जाके देखो घुटने तक, यानी यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे भी हरदम पानी भरा रहता है, नाली पूरा जाम है, तो पानी तो भरा ही है। विधायक साहब की रैली निकल रही है तो इसने कर दिया क्या? करना क्या है, नाली सफाई हो, नाली से पानी जाए, रोड पे पानी आए। देखिए लोगों से पूछेंगे, चले किसी से, भाई एक बार रोक दे, देखिए यहाँ अभी साफ किया गया, ये देखिए गाटर पट्टियां हटा हटा के लोग अपने अपने सफाई कर रहे हैं, ताकि सफाई कर सके, विधायक साहब की नजर में ना आ सके कि भैया पानी भरा रहता है, एमसीए विभाग की जो वो दिक्कत है, या एमसीए विभाग जो काम नहीं करना चाहता पकड़ा ना जाए। हालात इस तरीके से है, देखिएगा जाने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से, एक बार आए यहीं से ले लो कोशिश। भाई एक बार तो पानी ऐसे भरा रहता था क्या यहाँ पे? रोज पानी ऐसे भरा रहता था, कल रात की सफाई हुई है यहाँ पे 365 दिन, मतलब साल भर ऐसी। हाँ हाँ, जीना दूभर बिल्कुल। अच्छा, तो विधायक साहब की रैली निकलने वाली है अभी यहाँ पर? या बिल्कुल निकलने वाली है, इसलिए सफाई करवाई है यहाँ पे। भाई तो या कर रहे हैं, मैंने चलो कोई बात नहीं, और भी ठीक है। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश देखिएगा, दुकानदारों से पूछेंगे आइए आगे कैसे भाई, एक बार छोटे इधर आना, पानी वानी भरा रहता था क्या यहाँ पर हमेशा? बहुत दिनों से पानी भरा हुआ है ये। अच्छा, नहीं आज विधायक साहब की रैली निकलने वाली है इसलिए? हाँ, इसीलिए हो रहा है ये सब, रात भर से लगे। 15 अगस्त आ रहा है ना, इसीलिए रैली निकलेगी भी, अभी आने वाली रैली कुछ देर बाद यहाँ से विधायक साहब, इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत दिन से पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ। अच्छा, तो बुरा हाल था, मतलब काई लगी पड़ी, आप सोचिए काई लगी पड़ी है, सड़कों पे काई है, काला काला पानी है, ये आरएमसी की सड़क है, जबकि यहाँ पर आरएमसी की सड़कों पे हालात देखिएगा, चारों तरफ वहां तक काई लगी पड़ी, कुछ हिस्सा उधर का सूख गया है, और नाले को खोल दिया गया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। अगर ये समस्या का समाधान हो सकता था तो पहले क्यों नहीं करते, मेरा सीधा सीधा उन नकारा अधिकारियों से है जो एमसीएफ के अधिकारी बैठे हैं, फालतू की मोटी तनख्वाह लेने की कोशिश करते हैं, मतलब आप समाधान कर सकते हैं, ये समझ में आया, 24 घंटे में आप रात भर से लगे हैं तो समाधान हो सकता था, अब ये सोचेगा। अच्छा अंकल एक बात सुनिए, पानी यहीं ऐसे भरा रहता था यहाँ तो बहुत ज्यादा भरा रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी भरा रहता है, कम भी हो जाता है, भरा रहता है, लेकिन हाँ भरा रहता है। आज विधायक साहब की रैली निकल रही है यहाँ से, तो ठीक है, बढ़िया तो लगता है, इसीलिए साफ कर दिया है। हाँ हो सकता है, अब क्या बताएं। तो देखिए जिस तरीके से हालात है, जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं लोगों से पूछते हैं, चले और लोगों से पूछेंगे यहाँ पर, या आ रहा किसी से? भाई साहब एक बार रोकिएगा, यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता था क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा भरा रहता है जी। अच्छा, आज विधायक साहब की रैली निकल रही है? नहीं, विधायक साहब की रैली का तो मुझे पता नहीं है, पर आज निकल रही है इसलिए सफाई कर दी है। अच्छा, हो सकता है इसलिए निकल रही हो, इसलिए साफ कर दिया हो सकता है। 24 घंटे पानी, पानी तो रहता ही है जी, पानी रहता ही है। सोचिए भाई एक मिनट रुकना, चलिए लोगों से पूछते, एक मिनट जी एक मिनट रुकोगे, एक मिनट आपसे पूछते भाई, एक मिनट रुको, यहाँ पानी हमेशा भरता था क्या? हाँ जी भरता है, 365 दिन इस रोड में यहाँ तो भरा ही रहता है।
आज विधायक साहब की रैली निकल रही है, इसे साफ कर दिया है। साफ कर दिया, बहुत अच्छा करा है, लेकिन ये परमानेंट इलाज थोड़ी है। मतलब अधिकारी चाहते तो कर सकते थे, रात भर चले गए, पानी खाली कर दिया सारा। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या करें। अरे ये वोट के चक्कर में अब खाली हो रहा नहीं, चौबीस यहाँ तो भरे रहता। हो सकता है विधायक साहब की अपनी कमियां छुपा ले, ये मतलब विधायक साहब के सामने अधिकारी अपनी कमी छुपाने के चक्कर में बड़े हो, आज पता ना चल जाए। हमारे 5 साल हो गए यहाँ बने हुए, बताओ कब यहाँ आए हैं, कभी यहाँ दिखाई दिए? अच्छा, कभी दिखाई नहीं देते यहाँ। अच्छा ओके, तो अभी फिलहाल के तौर पर लेकिन पानी साफ कर दिया है? हाँ अभी देखने के लिए कर दिया, साफ नहीं भरा रहता जी तो। अच्छा अच्छा, चलो जाने की कोशिश करते हैं। भैया एक ऑटो मास्टर यहाँ से निकालो, एक मिनट रुको, यहाँ पानी हमेशा भरा रहता था क्या यहाँ पर? सालों भर पानी भरा रहता है। आज विधायक साहब की रैली निकल रही है, अधिकारियों ने साफ कर दिया आज पानी? साफ कर दिया, बिल्कुल सही बात। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नालायक। बाकी दिन कहाँ विधायक साहब सोए थे? जी का जो रहता है ठीक से काम नहीं करवा पाते। ओके चलिए, तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, देखिए और लोगों से पूछते हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, एक बार रुकिएगा, पूछते हैं, कोशिश करेंगे कि और लोग बता दें। ये देखिएगा लोग यहाँ पर हैं। भाई यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था क्या? हमेशा भरा रहता भैया। 365 दिन आज रैली निकल रही है विधायक साहब की, अधिकारी अपनी जान बचाने के चक्कर में। अच्छा हाँ, तो इसीलिए साफ करवाने थे भाई साहब, यहाँ एकदम दुर्लभ हो गया है और करना मुश्किल है। 10 मिनट बारिश तो है ही नहीं, कई दिन से ना भरा रहता है हमेशा पानी। अच्छा। नाली तक साफ ना करवाता है, ये सवेरे बोट मांगवे आ जाएंगे 5 बजे। अरे आज तो विधायक साहब निकल रहे हैं, अधिकारी जान बचा रहे हैं, अरे ताकि उन्हें पता ना चल जाए समथिंग, कुछ भी ना दिखे समथिंग। हाँ तो बस उस अधिकारी के चक्कर में तो ये सब हुआ, कभी झांकने कोई नहीं आता। चौबीस अगर MCF अधिकारी चाहे, SDO जेई चाहे, तो ये 24 घंटे में निकाल सकते थे, ये तो निकाल दिया पानी। अरे वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं साहब, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आता। हाँ यहाँ हम बैठे हैं, समझ लो बोहनी दिन भर नहीं होती है, पानी के चक्कर में कोई आता भी नहीं है। मार्केट वाले इतने परेशान, 8-10 साल से भरा रहता है पानी, कोई देखने के नहीं आता है, ना कोई पूछने आता है, ऐसे ही भरा रहता है पानी। ये देखिएगा हालात ये है कि इस रोड पर अच्छा खासा पानी, अब वहाँ JCB लगी पड़ी, दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिएगा किस तरीके से नालियों को खोला गया है, अभी देखिएगा खास में आज ही ये रात में खोला गया है, और ये अभी तक सुबह तक चल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में कुछ देर बाद यहाँ से विधायक साहब की सैकड़ों लोगों के, युवाओं के साथ रैली निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो ये शायद परेशानी विधायक साहब को ना आए, या फिर अधिकारी अपनी कमियां दिखा मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कि पता चला कि फिलहाल के तौर पर हालात बद से बदतर हैं, लेकिन कोई नहीं, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे कि तमाम जितने तरीके के हालात हैं वो भी हम आपको दिखा सकें, क्योंकि ये तो तय है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसे MCF के डिपार्टमेंट के लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बद से बदतर कर रखे हैं, यहाँ 365 दिन पानी भरा रहता है। लोग नेताओं को, विधायकों को या फिर सांसद साहब को, सबको गालियाँ देते हैं, अगर MCF अधिकारी सोचते तो बहुत कुछ बदल सकता था। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।